नमस्कार बच्चों, आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर में वॉइज अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। वॉइज अकाउंट यानी जहाजी यात्रा लेखा या खाता जहाजी कंपनी द्वारा खोला जाता है, और यह जो खाता है प्रत्येक जहाज द्वारा की गई प्रत्येक यात्रा के लाभ हानि ज्ञात करने हेतु किया जाता है। जब कोई जहाज यात्रा पूर्ण करता है तो उसमें होने वाले लाभ हानि ज्ञात करने के लिए हम जहाजी यात्रा खाता खोलते हैं। तो जहाजी यात्रा खाता खोलने के लिए दो परिस्थितियाँ आती है, पहली है पूर्ण यात्रा, दूसरी अपूर्ण यात्रा। पूर्ण यात्रा में वह यात्रा होती है जब जहाज जिस तारीख तक हम अपना जो खाता बंद करते हैं उस तारीख तक अगर यात्रा पूर्ण हो जाती है यानी जहाज वापस पहुंच जाता है तो उसे हम पूर्ण यात्रा कहते हैं। अपूर्ण यात्रा में जहाज बीच रास्ते में होता है, तो आज हम पूर्ण यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्ण यात्रा में मैं प्रारूप आपको दिखा रहा हूँ वॉइज अकाउंट का। उसमें जैसे इस साइड हमारे एक्सपेंसेस जाएंगे, इस साइड हमारी इनकम आएगी। तो जैसे एक्सपेंसेस मैंने लिए हैं, जैसे बंकर कॉस्ट है, स्टोर्स है। बंकर कॉस्ट में फ्यूल, डीजल, वाटर एट्सेट्रा, इस टाइप के खर्चे आते हैं। स्टोर्स में खाने पीने का सामान, हार्बर चार्जेज हो गया, स्टोरिंग चार्जेज में सामान को उतारना चढ़ाना, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, सैलरी एंड वेजेज, फिक्स एक्सपेंसेस, पोर्ट ड्यूज, बंदरगाह शुल्क। बंदरगाह जब जहाज खड़ा रहता है तो उस पर शुल्क लगता है, उसे पोर्ट ड्यूज कहते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस, एड्रेस कमीशन है वो हमेशा भाड़े पर दिया जाता है, ये खर्चा है। मैनेजर कमीशन दे देता है। अब हम इस साइड देखते हैं, बाई साइड में यानी क्रेडिट साइड में। तो फ्राइट को हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, आउटवर्ड और इनवर्ड। आउटवर्ड जाने का, इनवर्ड वापस आने का। और प्राइमरी यानी अतिरिक्त भाड़ा, तो अतिरिक्त भाड़ा है वो हमेशा इस फ्राइट में जोड़ेंगे। और अगला है पैसेज मनी में जब सामान के साथ साथ यात्री भी यात्रा करते हैं तो उनसे जो किराया लिया जाता है उसे हम पैसेज मनी कहेंगे, और वो हमारी इनकम होगी तो इस वॉइज अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगी। अब मैंने एग्जाम्पल लिया है, IN जयहिंद ने 1 फरवरी 2018 के चेन्नई से ऑस्ट्रेलिया वापसी के लिए जहाज यात्रा प्रारंभ की। यात्रा 31 मार्च 2018 को पूर्ण हो गई यानी कंप्लीट वॉइज है। यह बाह्य यात्रा में कॉफ़ी का सामान ले गया और वापसी यात्रा में मशीन लाया। यह जहाज बीमित था और इसका वार्षिक प्रीमियम 1,20,000 रुपये था। निम्नलिखित विवरण से खाता भी बनाइए। तो इसमें और भी दे रखे हैं तो मैं देखता हूँ इसमें। तो इसमें दे रखा है, देखो फ्राइट दे रखा है, आउटवर्ड का ये तो इनकम है, फ्राइट इनवर्ड का ये भी इनकम है। पोर्ट ड्यूज एक्सपेंसेस हो गया, बंकर कॉस्ट एक्सपेंसेस हो गया, वेजेज सैलरी एक्सपेंसेस, स्टोर्स एक्सपेंसेस, सेंट्री एक्सपेंसेस है, पैसेज मनी इनकम हो गई, लाइटरी चार्जेज एक्सपेंसेज है, और एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेज है। तो जो एनुअल दे रखा है उसे हम करेंगे 2 महीने, क्योंकि 1 फरवरी से 31 मार्च तक हमारी यात्रा है। तो ये 2 महीने का जो एनुअल डेप्रिसिएशन है उसको हम 2 महीने कर देंगे। एक हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम था वो भी एनुअल था, उसे भी हम 2 महीने कर देंगे। अदर इन्फॉर्मेशन दे रखिए, बाय भाड़े पर 5% और वापसी भाड़े पर 4% आपको दक्षता कमीशन देना है। अतिरिक्त भाड़ा है प्राइमेज वो 5% है भाड़े का। प्रबंधक उसका कमीशन घटाने के बाद आफ्टर है शुद्ध लाभों पर 5% कमीशन का अधिकारी है, यानी आफ्टर है तो उसको हम 5% कमीशन देंगे। अतः सामान स्टोर्स और कोयले का जो क्लोजिंग स्टोर दे रखा है 31 मार्च को 15,000 रुपये, ठीक है। अब इसको करो सॉल्यूशन। तो इस साइड में एक्सपेंसिव लेता हूँ मैं, पोर्ट ड्यूज ले लिया, बंकर कॉस्ट ले ली, वेजेस सैलरी ले ली, स्टोर्स, सेंट्री एक्सपेंसेज, लाइटरी चार्जेस, डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन इसमें दे रखा है 4,80,000 रुपये 1 साल का, तो 2 महीने निकल जाएगा 80,000 रुपये।
इंश्योरेंस प्रीमियम भी 1,20,000 रुपये, तो 2 महीने का 20,000 रुपये। एड्रेस कमीशन बाद में निकालेंगे, पहले हम इनकम साइड देखते हैं। तो इसमें बाई फ्रेट आउटवार्ड का कितना है, 5,00,000 रुपये ले लिया, उसमें 5% हमारा प्राइमेज हो रहा है, तो 5% प्राइमेज ऐड किया तो 25,000 रुपये हो गए। तो 5,25,000 रुपये हमारा आउटवार्ड का फ्रेट। इनवर्ड का फ्रेट है वो 3,50,000 रुपये ही, प्राइमेज इसका 5% है 17,500, तो 3,67,500 हो गए। अब हम पैसेज मनी है, तो पैसेज मनी कितनी दे रखी है, यह है 50,000 रुपये में ले लिया, और स्टोर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है 15,000 रुपये ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेट की टोटल करेंगे पूरी, तो हमारी 9,57,500 आ गई। अब इसमें से हम एक बार पहले हम एड्रेस कमीशन निकाल लेते हैं। एड्रेस कमीशन है वो बाहे भाड़े पर 5% है और वापसी पर 4%। तो पूरा ये भाड़ा हमारा 5,25,000 रुपये और 3,67,500, इस पर मैंने आउटवार्ड पर ले लिया 5% और इनवार्ड पर ले लिया 4%। तो ये तुम्हारा एड्रेस कमीशन है वो 40,950 ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने टोटल कर ली साइड की, अब हम इसमें से एड्रेस कमीशन तक की टोटल लेस कर देंगे। 40,950 है यहाँ तक, हम इसको लेस कर देंगे। उसके बाद मैनेजर कमीशन निकालेंगे, क्योंकि मैनेजर कमीशन आफ्टर है, बाद का है, तो हम इसे लेस कर, इसमें से जो एड्रेस कमीशन तक के जो आइटम उनको लेस करने पर हमारा आ गया 2,49,550 रुपये। इसको हम अपॉन इंटू 5/105 करेंगे, क्योंकि आफ्टर है इसलिए, तो इसका कमीशन आएगा 11,883 रुपये। इस 11,883 हम लिख देंगे, तो इसमें से अब हम वापस पूरी लेस कर देंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 2,37,667 रुपये। तो इस प्रकार हम कंप्लीट वॉइज में जो है वो यात्रा पूर्ण हो जाती है। जिस तारीख को हम खाता बंद करते हैं उस तारीख तक हमारी यात्रा पूर्ण हो जाती है। अगले क्लास में हम अपूर्ण यात्रा के बारे में